हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है कैपिटल मार्केट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के दो सेगमेंट्स रहते हैं, एक मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के बारे में हम डिटेल डिस्कशन अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर डील करती है, बट वहीं ये कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर डील करती है, जिसकी मैच्योरिटी एक साल से ज्यादा रहती है। क्या है फीचर्स कैपिटल मार्केट के, ये हमारी स्क्रीन के ऊपर विजिबल हैं। इसमें से कुछ एक फीचर्स तो डेफिनेशन से ही आ जाते हैं, जैसे कि ये मार्केट लॉन्ग टर्म एसेट्स की मार्केट है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केट है। इन इंस्ट्रूमेंट्स की मैच्योरिटी एक साल से ज्यादा होती है। क्योंकि इसकी मैच्योरिटी एक साल से ज्यादा है, तो इसलिए डिग्री ऑफ लिक्विडिटी यहां पे कम हो जाती है। दोस्तों, मनी मार्केट में जो मैच्योरिटी है वो एक साल से कम है, इस वजह से वहां पे डिग्री ऑफ लिक्विडिटी ज्यादा है। बट यहां पे डिग्री ऑफ लिक्विडिटी कम होने का कारण ये रहता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के एसेट्स है, मैच्योरिटी एक साल से ज्यादा है। कौन कौन से एसेट्स यहां पे खरीदे बेचे जाते हैं? यहां पे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीदे बेचे जाते हैं। और कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स रहते हैं जिसके जरिए ये एसेट्स खरीदे बेचे जाते हैं? आप जैसा कि देख रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स, ब्रोकर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदने बेचने का काम करते हैं। बट सिलेबस की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हमारा फोकस इसके सिर्फ शेयर्स के ऊपर होगा, डिबेंचर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम कैपिटल मार्केट के सेगमेंट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कैपिटल मार्केट के भी आगे दो सेगमेंट्स रहते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। क्या है प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट उस मार्केट को बोला जाता है जहां पे ब्रांड न्यू शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली ब्रांड न्यू शेयर्स मार्केट में इश्यू करती है। अब ऑर्गेनाइजेशन को जब भी पैसे की जरूरत रहती है और शेयर्स के जरिए ये पैसा रेज करना चाहती है, तो इसके मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन रहते हैं। किस मेथड के जरिए ये ऑर्गेनाइजेशन फंड्स रेज करती है, इन मेथड्स को हम एक एक कर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड है आईपीओ। ये बहुत ही कॉमन और सबसे ज्यादा फॉलो होने वाला मेथड है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इस मेथड के चलते तहत ऑर्गेनाइजेशन अपना एक प्रॉस्पेक्टस इश्यू करती है, जिस प्रॉस्पेक्टस के अंदर कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फर्निश करती है। जो प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर्स रहते हैं वो इस इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। अगर वो प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर इस इंफॉर्मेशन से कन्विंस्ड होते हैं तो वो कंपनी में अपना पैसा लगा देते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि ईआईपीओ। वैसे तो दोस्तों, आईपीओ एंड ईआईपीओ में कुछ खास फर्क नहीं है, मोर और लेस सिमिलर मेथड है, बट स्टिल स्मॉल सा डिफरेंस हमें इन दोनों मेथड्स के अंदर देखने को मिलता है। जहां पे आईपीओ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जो इंफॉर्मेशन फर्निश करी है वो प्रॉस्पेक्टस के अंदर फर्निश करी है, वहीं ईआईपीओ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने ये सारी इंफॉर्मेशन अपने प्रॉस्पेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। किसी भी इन्वेस्टर को ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स अगर परचेज करने हैं तो वो इन्वेस्टर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इंटरनेट को यूज करते हुए यहां पे सब्सक्रिप्शन कर सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है राइट इश्यू। ये मेथड क्या कहता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की गाइडलाइंस की अगर माने तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को जब भी न्यू इक्विटी रेज करनी होती है, सबसे पहले तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से पूछेगी। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पैसा लगाना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इस इक्विटी को परचेज करेंगे। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पैसा फर्दर नहीं लगाना चाहते तो दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन न्यू इन्वेस्टर्स को इश्यू
कर सकती है इक्विटी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मेथड है ऑफर फॉर सेल। ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स इशू डायरेक्टली इन्वेस्टर को ना करके ब्रोकर को इशू करती है, और क्योंकि ब्रोकर को बल्क में शेयर्स बेचे जाते हैं इसीलिए डिस्काउंटेड रेट पे बेचे जाते हैं, जिसका मतलब है मार्केट प्राइस से लेस रेट पे ब्रोकर को शेयर्स बेचे जा रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे है प्राइवेट प्लेसमेंट। इस मेथड के चलते तहत ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी शेयर्स इशू करती है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस को भी बल्क में शेयर्स इशू किए जा रहे हैं तो इसलिए इनको भी डिस्काउंटेड रेट पे ही इशू किया जाता है। तो ये हमारे डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन है जिसके जरिए प्राइमरी मार्केट के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पैसा रेज कर सकती है। इसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जिसे स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट भी बोला जाता है, ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर सेकेंड हैंड शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। जहां पर प्राइमरी मार्केट के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टर्स को ब्रांड न्यू शेयर्स बेचे थे, सेकेंडरी मार्केट के अंदर एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सेकेंड हैंड शेयर्स बेचता है ब्रोकर की हेल्प से। हमारे सिलेबस की गाइडलाइंस की अगर माने तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम शेयर मार्केट के फंक्शंस, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग प्रोसीजर कैसे रहता है, यही कंटेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट और शेयर मार्केट में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। पहला फंक्शन है इकोनॉमिक बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम डे का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो इस बैरोमीटर का मतलब यहां पर क्या रहता है? स्टॉक मार्केट भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को मेजर कर सकते हैं। अगर हम स्टॉक इंडाइसेस को देखें जो सेंसेक्स एंड निफ्टी है, सेंसेक्स एंड निफ्टी के स्कोर से यह पता लगाया जा सकता है कि इकोनॉमी के अंदर बूम है या फिर डिप्रेशन है। अगर सेंसेक्स एंड निफ्टी के स्कोर लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब कंट्री ग्रोथ पाथ पे है, बट अगर सेंसेक्स एंड निफ्टी लगातार गिरते जा रहे हैं इसका मतलब कंट्री के अंदर डाउनफॉल आ रहा है, जीडीपी रिड्यूस हो रही है। देन हमारे पास सेकेंड फंक्शन है फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी फंक्शन है। ये एक ऐसा फंक्शन है जहां पे किसी भी शेयर के प्राइस को डिटरमिन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई जो कि दो मार्केट फोर्सेस होती हैं, इसके बेस पे किसी भी शेयर का प्राइस क्या होगा स्टॉक मार्केट के अंदर डिटरमिन किया जाता है। ये शेयर प्राइस किस तरीके से बढ़ेंगे, या तो अगर डिमांड बढ़ जाए तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, या फिर सप्लाई कम हो जाए तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। बट अगर किसी भी शेयर की डिमांड रिड्यूस हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो उस शेयर का प्राइस रिड्यूस हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका मतलब है स्टॉक मार्केट के अंदर अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं या बेचते हैं, यहां पे फ्रॉड के चांसेस नहीं रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने हर कंपनी को वेरीफाई किया है। जो भी कंपनी के शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं ये सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज हैं। बट इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने से हमें नुकसान नहीं होगा। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से नुकसान हो सकता है। हम सिर्फ फ्रॉड की बात कर रहे हैं कि फ्रॉड नहीं होगा, धोखाधड़ी नहीं होगी। नुकसान होने का कारण सिर्फ मार्केट फोर्सेस है। मार्केट फोर्सेस में सडन फ्लक्चुएशन आने की वजह से हमें नुकसान हो सकता है। देन हमारे पास है प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी। स्टॉक मार्केट को जनरली हम सट्टेबाजी का बाजार बोलते हैं, क्योंकि यहां पे लोग लाखों कमाते हैं तो करोड़ों गवाते भी हैं। देन दोस्तों हमारे पास है एंश्योर्स लिक्विडिटी ऑफ एसेट। जिस भी पर्सन ने शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाया है, शेयर्स परचेज करे हैं, उसको शेयर को बेचने के लिए कोई टाइम नहीं लगता, इंस्टेंटली शेयर्स बिक जाते हैं और कैश के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। हमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता कि कोई इन्वेस्टर आएगा, शेयर खरीदेगा,
तब मेरा शेयर बिकेगा, मैं कभी भी अपने शेयर को ब्रोकर को बेच सकता हूं। देन आगे चलते हैं दोस्तों, प्रमोट्स हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट जो इन्वेस्टर्स के बीच में सेविंग और इन्वेस्टमेंट का माहौल भी पैदा करती है, उनके बीच में ये हैबिट भी इनकलकेट करती है। बहुत सारे इन्वेस्टर मार्केट में हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस को ध्यान में रख के आए हैं और ये लॉन्ग टर्म में रिटर्न चाहते हैं। ऐसे लोगों में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट इनकलकेट करता है ये स्टॉक मार्केट। इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से शेयर्स की खरीदारी की जा सकती है, आपको अगर ट्रेडिंग करनी हो तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सबसे पहले तो आपको या मुझे या किसी भी पर्सन को शेयर मार्केट में अगर ट्रेडिंग करनी है तो ब्रोकर सिलेक्ट करना होगा। ये ब्रोकर एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक बैंक हो सकता है। ब्रोकर को सिलेक्ट करने के बाद ही हमारा ट्रेडिंग का काम शुरू होता है दोस्तों। उसके बाद है ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर हमारे शेयर्स का पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। जो भी शेयर्स हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कितने प्राइस पे खरीदा, कितने प्राइस पे बेचा, किस कंपनी का शेयर खरीदा गया, बेचा गया, कौन सी डेट को, इसका पूरा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन रहता है। डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए किसी भी पर्सन की एज 18 ईयर्स और अबव होनी चाहिए और उसके पास पैन कार्ड का होना जरूरी है। जब हमारा डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है उसके बाद हमें सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करना होता है, यानी कि शेयर को सिलेक्ट करना होता है। जिस भी कंपनी का शेयर हम खरीदना चाहते हैं या जिस भी कंपनी का शेयर हम बेचना चाहते हैं हमें वो सिलेक्ट करना होगा। जब हम शेयर सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस हम शेयर मार्केट में जाके ब्रोकर को भी कर सकते हैं या हमारे पास अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन है वहां पे भी हम ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करते हुए हमें इंफॉर्मेशन डिटेल्ड फर्निश करनी होती है कि कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है या बेचना है, प्राइस रेंज देनी होती है कि किस प्राइस के अंदर आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। साथ ही हमें क्वांटिटी भी बतानी होती है कि कितने शेयर्स खरीदना या बेचना चाहते हैं। जब हम ये ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो उसके बाद होता है एग्जीक्यूशन। ये एग्जीक्यूशन पार्ट ब्रोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ब्रोकर हमारे ऑर्डर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद ब्रोकर हमें एक नोटिफिकेशन भेज देता है कि जो भी हमने ऑर्डर दिया ब्रोकर ने उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली सिक्योरिटीज को बाय किया है या सेल किया है। देन दोस्तों फाइनल स्टेज आती है सेटलमेंट की। जो भी शेयर्स मैंने खरीदे हैं, जो भी शेयर्स मैंने बेचे हैं, मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट होना है या मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट होना है, उसके लिए इंस्टेंटली ये सारा का सारा नहीं होगा, उसके लिए कुछ टाइम लगेगा जो कि T+2 या T+5 हो सकता है। टी का मतलब है ट्रांजैक्शन डेट और प्लस टू का मतलब है उससे 2 दिन ज्यादा, जिसके अंदर सैटरडे या संडे या कोई भी नॉन वर्किंग डे इंक्लूड नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों ये सारी डिस्कशन थी हमारी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।